ब्राइट्सबर्ग के हलचल भरे शहर में एक आरामदायक अपार्टमेंट में हैरोल्ड नाम का एक जिज्ञासु हमस्टर रहता था। हैरोल्ड कोई साधारण हमस्टर नहीं था। उसकी नाक पर एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। उसकी मालिक लिली नाम की एक छोटी लड़की उससे बहुत प्यार करती थी और अक्सर उसे शहर के आश्चर्यों की कहानियां सुनाती थी। हर कहानी के साथ हैरोल्ड की जिज्ञासा बढ़ती गई और एक रात उसने फैसला किया कि अब खोजबीन करने का समय आ गया है। जैसे ही चांद ऊंचा हुआ और शहर की रोशनियां जगमगा उठीं, हैरोल्ड खिड़की की एक छोटी सी दरार से बाहर निकला और अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। शहर एक विशाल और अद्भुत स्थान था, जो ऊंची इमारतों, हलचल भरी सड़कों और अनगिनत छिपे हुए कोनों से भरा हुआ था। हैरोल्ड ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और चमकीले नियन चिन्हों को देखकर अचंभित होकर गलियों में घूमता रहा। जल्द ही उसने खुद को एक पार्क में पाया, जहां उसका सामना मिलनसार कबूतरों के एक समूह से हुआ। नमस्ते, हैरोल्ड ने अपना छोटा चश्मा ठीक करते हुए उनका अभिवादन किया। मैं हैरोल्ड हूं और मैं शहर की खोज कर रहा हूं। कबूतर गुटरगूं करने लगे और खुशी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। आपका स्वागत है हैरोल्ड, प्रधान कबूतर पर्सी ने कहा। हम आपको ब्राइट्सबर्ग के सर्वोत्तम दृश्य दिखा सकते हैं। कबूतरों ने वस्तुतः हैरोल्ड को अपने पंखों के नीचे ले लिया। पर्सी ने हैरोल्ड को अपनी पीठ पर उठा लिया और वे आकाश में उड़ गए। ऊपर से हैरोल्ड ने चमचमाती नदी, राजसी पुल और विशाल पार्क देखे। इतनी ऊंचाई से शहर जादुई लग रहा था, रोशनी का जगमगाता समुद्र। वे ब्राइट्सबर्ग लाइब्रेरी के पास उतरे, जो विशाल स्तंभों और पुस्तकों की अंतहीन अलमारियों वाली एक भव्य इमारत थी। अंदर हैरोल्ड को एक गुप्त दरवाजा मिला, जो जानवरों के लिए एक छिपे हुए हिस्से की ओर जाता था। वहां उसकी मुलाकात ओलिवर नाम के एक बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू से हुई, जो पशु पुस्तकालय का रखवाला था। आपका स्वागत है हैरोल्ड, ओलिवर ने चिल्लाया। मैंने आपके कारनामों के बारे में सुना है। यहां आप शहर के रहस्यों को जान सकते हैं। ओलिवर ने हैरोल्ड को प्राचीन मानचित्र दिखाए और उसे शहर के इतिहास की कहानियां सुनाई। हैरोल्ड मंत्रमुग्ध था और घंटों पढ़ने और सुनने में बिताता था। जब वह किताबों पर डालता था तो उसका छोटा चश्मा उसकी नाक से फिसल जाता था। जैसे ही सुबह हुई, हैरोल्ड को पता चला कि घर लौटने का समय हो गया है। लिली के जागने से ठीक पहले पर्सी और कबूतर उसे वापस उसके अपार्टमेंट में ले गए। हैरोल्ड खिड़की से वापस खिसक गया। लिली ने हैरोल्ड को अपने पिंजरे में गहरी नींद में अपने भव्य साहसिक कार्य का सपना देखते हुए पाया। वह मुस्कुराई, सोच रही थी कि उसके छोटे हमस्टर ने किस साहसिक कार्य का सपना देखा था। और हर रात जब हैरोल्ड सोते समय लिली की कहानियां सुनता था, तो वह जानता था कि ब्राइट्सबर्ग शहर में अनंत संभावनाएं हैं और उसका अगला साहसिक कार्य बस एक सपना दूर था। ब्राइट्सबर्ग शहर में हैरोल्ड का बड़ा साहसिक कार्य जिज्ञासा, दोस्ती और खोज की कहानी है, जो सोते समय प्रेरक मीठे सपने और कल्पनाशील विचारों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।